हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा, प्रोफेशनल क्रिकेटर। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एक क्रिकेटर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25 या रणजी ट्रॉफी इसकी टीम में आ सकता है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये इसका क्या प्रोसेस रहता है हर स्टेट का, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि क्या प्रोसेस है और उस प्रोसेस से आप कैसे गुजर के एक स्टेट क्रिकेटर बन सकते हो, एक बोर्ड ट्रॉफी खेल सकते हो और बोर्ड ट्रॉफी खेलने के बाद ही आपके इंडिया में सिलेक्शन होती है। तो फर्स्ट, जब मैं अंडर 19 था या फिर जब मैं अंडर 16 था तो मैं DDCA की जो लीग होती है, DDCA लीग, वो खेलता था। और DDCA लीग खेलने, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, दिल्ली में मैं बचपन से रहा हूँ, तो उससे ये है कि मेरे जो मेरी क्रिकेट थी वो सारी दिल्ली की रही है। तो जो दिल्ली में क्रिकेट हमने क्या है, दिल्ली में क्लब सिस्टम है, जो हमने दिल्ली में क्रिकेट खेली वो सारी क्लब क्रिकेट खेली है। क्लब क्रिकेट में क्या होता है, जैसे आप लीग खेलते हो, DDCA ने क्या है क्लब बना रखे हैं, 110-115 क्लब है DDCA के, और 110-115 क्लब में क्या है, हर क्लब से एक बच्चा खेलता है, मतलब 11 बच्चे खेलते हैं, और हर क्लब से जो खेलता है उसकी जैसे परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस के बेस पर उसकी सिलेक्शन होती है। लेकिन क्या है कि जब आप एक क्लब से खेलते हो तो आपको एक 14 मैच का, ये DDCA लीग होती है, 14 मैच मिलते हैं आपको। हर इन्होंने पूल बांटा हुआ है कि एक प्रीमियर 1-2 का पूल है, उसमें सारी कॉर्पोरेट और ये जो प्रोफेशनल टीम्स हैं वो खेलती हैं, फिर सुपर एलीट है उसमें भी प्रोफेशनल क्लब्स खेलते हैं, फिर एलीट है उसमें भी प्रोफेशनल क्लब्स खेलते हैं, और जो इनका जो एलीट के नीचे जो प्लेड ग्रुप है उसमें थोड़ी सी हल्की टीमें खेलती हैं। लेकिन यही है कि मतलब इन्होंने पूल वाइज बांट रखी है सिस्टम, तो उसमें अलग अलग क्लब्स खेलते हैं। अब क्या है, किसी भी अकेडमी के बच्चे को अगर वो स्टेट खेलना है तो इन क्लब से खेलना पड़ेगा। अब वो क्लब क्रिकेट खेलता है, 14 मैच में अगर उसके रन होते हैं अच्छे रन, मतलब इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, इतने रन बना देगा बच्चा तो ये कैंप के लिए आ सकता है या ट्रायल के लिए आ सकता है। तो DDCA के अंदर ऐसे सिलेक्शन होती है कि भाई आपने क्लब क्रिकेट में रन बनाए, क्लब क्रिकेट से रन बना के आप ट्रायल पे जाओगे, ट्रायल से आपके जो ट्रायल मैच मिलेंगे आपको, ट्रायल मैच के बाद आप एक स्टेट की टीम में आओगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अंडर 16 में भी लीग खेली, अंडर 19 में भी लीग खेली, उसके बाद मैंने, जब मैं अंडर 25 की कैटेगरी में था तो मैं हिमाचल चला गया, हिमाचल में मैंने किन्नौर है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से मैंने एज अ प्रोफेशनल खेला, क्योंकि मैं आउटसाइडर था तो मैं एज अ प्रोफेशनल खेला। अब क्या है कि हिमाचल जैसे, अब एक हिमाचल जैसी स्टेट है, DDCA हो गया, इसमें क्लब क्रिकेट होती है। अब हिमाचल थोड़ा सा बड़ा है, हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल लगाओ, एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, तो एक इनकी डिस्ट्रिक्ट पहले क्या होता है, हिमाचल के अंदर डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, फिर डिस्ट्रिक्ट के आपस में मैचेस कराते हैं, फिर उसके बाद उनमें से लड़के छांट के लाते हैं ये ट्रायल्स के लिए और ट्रायल मैचेस के लिए, और उन्हीं लड़कों का कैंप लगाते हैं। तो आपको क्या है, आपको पहले, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल हमीरपुर की टीम में आना है, अब हमीरपुर की टीम में आने के लिए पहले आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में आप सेलेक्ट हो गए तो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल मैचेस वगैरह होंगे, उनमें से फिर वो लड़के छाट के हमीरपुर क्रिकेट एसोसिएशन की आप टीम में आ जाओगे। हमीरपुर क्रिकेट एसोसिएशन का अगर फॉर एग्जांपल मैच होता है सोलन से या फिर कांगड़ा से, कुल्लू से, जो इन्होंने मतलब उस टाइम इन्होंने टूर्नामेंट बनाए HPCA वालों ने, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने, तो उसके बाद फिर आपका एक ये स्टेट ट्रायल के लिए नाम डाल देते हैं, स्टेट कैंप के लिए, अगर आप कि इनकी जो अगली जो इनकी ट्रॉफी होती है उसमें आप रन बनाते हो। जैसे हमीरपुर का मैच हुआ कुल्लू से, आपने बना दी 100, आपका मैच हुआ कांगड़ा से, आपने बनाई 100, तो आपके 200 रन हो गए, तो आप पिक हो जाओगे कि ठीक है ये लड़के में दम है, इसको ट्रायल के लिए बुलाओ, कैंप के लिए बुलाओ। फिर ये कैंप में क्या करते हैं, कैंप में आप फिर भाई ये 50-60 लड़के बुलाते हैं और 50-60 लड़कों के बाद ये आगे टीम बनाते हैं। ऐसी अगर आप MPCA को देखोगे तो हर स्टेट का डिफरेंट है। MPCA के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे MPCA और बड़ा है हिमाचल से, तो MPCA में क्या है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जो करंट अभी रणजी ट्रॉफी भी जीती है, कि इतना बड़ा है MP, अब MP की टीम कैसे बनती है, MP की टीम ऐसे बनती है कि आप वहाँ पे, मैं MP में भी खेला हूँ जाके, चंबल डिवीजन से मैं एज अ प्रोफेशनल खेला हूँ, तो वहाँ पे ये है कि जैसे अगर आपको चंबल की टीम में आना है तो चंबल की टीम में आने के लिए चंबल के अंदर ही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रायल्स होते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलने पड़ेगी। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं चंबल के अंदर, श्योपुर, भेंड और मुरैना, अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले आपको जो है, जैसे मुरैना के अंदर क्लब्स हैं, क्लब्स के मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्लब्स के मैचों में जो अच्छा करेगा फिर वो मुरैना की टीम में आ जाएगा। ऐसे ही आपका भेंड है, ऐसे ही आपका श्योपुर है। अब इन
जब आप तीन इन डिस्ट्रिक्ट की टीम में आ गए, डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने के बाद ये आपके डिस्ट्रिक्ट के मैचेस कराएंगे, जैसे मुरैना का भिंड से हो रहा है, भिंड का श्योपुर से हो रहा है, श्योपुर का फिर मुरैना से हो रहा है, फिर इसमें जो एक अच्छा करेगा, फिर ये इसके बाद जो एक डिवीजन की टीम बनाते हैं ये, जैसे चंबल डिवीजन की टीम, तो चंबल डिवीजन के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मैच हुए, फिर एक चंबल की टीम के अंदर आ गए। ऐसी ग्वालियर है, इंदौर है, रीवा है, अलग अलग तरह के डिवीजन हैं। फिर जब चंबल की टीम में आ जाओगे तो फिर आपका मैच होगा कहीं पर भी, ऑल ओवर द MP वो मैच करा देते हैं। जब मैं खेला था तो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI में, इंदौर में CCI का ग्राउंड है और होलकर स्टेडियम है, मैं वहां पे 2 मैच खेला था रीवा और इंदौर के अगेंस्ट। तो ये मतलब आपको फिर यहाँ पे डिवीजन सिस्टम है, जैसे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट सिस्टम था, यहाँ पे डिवीजन सिस्टम है, और जैसे DDCA के अंदर क्लब सिस्टम है, तो हर स्टेट का ना अलग अलग सिस्टम है। आप फिर जैसे MPCA में क्या है, चंबल डिवीजन से इंदौर अगेंस्ट खेल रहे हो और आपने 100 बनाई, और रीवा के अगेंस्ट खेल रहे हो 100 बनाई, तो फिर ये आपको ट्रायल कैंप के लिए बुला लेते हैं। ट्रायल कैंप के लिए क्या है, आपको कैंप में मैचेस वगैरह कराएंगे, आपके ट्रायल मैचेस होंगे, ट्रायल मैचेस में आप परफॉर्म करते हो तो आप फिर MPCA की टीम में आते हो। तो हर जगह का अलग है। गोवा में मैं करंट गोवा में क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो गोवा में ऐसा है कि वहाँ पे क्लब्स हैं, वहाँ पे भी जैसे दिल्ली जैसा सिस्टम है कि वहाँ पे क्लब हैं, लेकिन वहाँ पे क्लब क्या करते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी स्टेट है तो सिर्फ 6 या 8 क्लब हैं, तो 6-8 क्लब से ही जो प्लेयर खेलते हैं वही एक रणजी ट्रॉफी का कैंप या 19 का कैंप कर सकते हैं। तो मतलब हर स्टेट का एक अलग सिस्टम है, और उस सिस्टम से होके ही आपको स्टेट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया IPL कैसे खेलना है, इंडिया कैसे खेलनी है, या भैया मैं क्रिकेट कैसे स्टार्ट करूं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है और इनको लगता है कि ठीक है भाई मैं आज स्टार्ट करूंगा और कल मैं इंडिया खेल जाऊंगा, परसों मैं वर्ल्ड 11 की टीम में आ जाऊंगा। लेकिन देखो गाइस, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि क्रिकेट ईजी नहीं है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रन बनाने पड़ते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, 10-10, 12-12, 15-20 साल लगते हैं लोगों को एक स्टेट रणजी ट्रॉफी वगैरह की टीम में आने में। तो एक क्रिकेट इतना आसान नहीं है। आप किसी से बोलोगे कि भैया आप IPL क्यों नहीं खेल रहे, आपने किसी को अच्छा खेलते देखा, सोचा कि भाई ये यार ये प्लेयर IPL में क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस वो IPL में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो कंपटीशन से लड़ रहा है, वो कंपटीशन से लड़ के जब एक वो क्रीम बन जाएगा तभी वो IPL की टीम में आ पाएगा। और उसके दौरान वो किस पॉलिटिक्स से गुजरता है, कितना उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, नहीं हो रही है, हर एसोसिएशन के अंदर एसोसिएशन किसको बैक करना चाह रहा है, उस टाइम उसकी किसकी परफॉर्मेंस चल रही है, वो सारी चीज़ें कंसीडरेशन में होती हैं। और उसके बाद जाके आप एक स्टेट की टीम में आते हो और फिर स्टेट से आप दूसरी स्टेट के अगेंस्ट कितने मैचेस खेल रहे हो, वहाँ पे आपको वो कितने मैच दे रही है आपकी एसोसिएशन खेलने के लिए, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजर के सालों साल लगते हैं इसको क्रिकेटर बनने में, ये कोई आसान बात नहीं है। और कई लकी लोग होते हैं, ठीक है, जो 16-17 साल में अच्छा परफॉर्मेंस करके एकदम से U19 से इंडिया की टीम में आ जाते हैं, लेकिन U19 की टीम में आने के लिए भी जो बच्चे 6-7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, जिनके पेरेंट्स को नॉलेज होती है, वो अपने बच्चों को डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो जाके कहीं एक 10-12-15 साल के बाद वो U19 वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जितना ये दिखने में लगता है उतना आसान है नहीं। और ऐसे अगर मेरे को जैसे मैसेज वगैरह आते हैं बच्चों के, सर मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे खेलूँ, तो भाई मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मत खेलो, हैं तो अगर आप अरेंज कर सकते हो तो इतना अरेंज करो कि आप किसी को इतना सपोर्ट कर पाओ, मतलब अपने आप को इतना सपोर्ट कर पाओ कि आपको कोई सपोर्ट कर पाए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो फिर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, सॉरी टू से, बट ये है कि आप सीख सकते हो चीज़ें, यूट्यूब से भी सीख सकते हो। मैंने वीडियोस बनाता हूँ मैं, जो बेसिक्स वगैरह हैं जितना मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैं वो वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस से भी सीख सकते हो और जाके किसी एकेडमी में जाके इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपका जो कोच सिखाएंगे आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, और क्रिकेट खेलने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि एक अच्छे स्टेट खेलने के बाद इंडिया कैसे खेला जाता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अगली वीडियो तक को ध्यान से देखें।